यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। उच्चारण हो गया था, इसका अर्थ भी हो गया था। भाष्य चलेगा शंकर भाष्य। यत्र माने यस्मिन काले, यत्र का अर्थ है यस्मिन काले, जिस समय उपरमते अर्थात चित्तम उपरतिम गच्छति, आपका चित्त उपरति को प्राप्त हो जावे, तब निरुद्धम सर्वतो निवारित प्रचारम, सर्वतः जो है इस वृत्तियों के अंतकरण वृत्तियों का आने जाना जो व्यवहार था प्रचार था उसे रहित हो गया। कैसे हो गया? कदि योग सेवया योगानुष्ठान, योग का श्रवण ध्यासन रूप योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग आदि योग साधन के द्वारा, योगानुष्ठान के द्वारा चित्त की सारी वृत्तियों को निरुद्ध कर लिया गया है, उपरति को प्राप्त कर गया। यदा और यत्र चैव, और जिस काल में यस्मिश्च काले आत्मना समाधि पुरुषुद्धेन, समाधि के द्वारा परिशोधित अंतःकरणेन, अंतःकरण के द्वारा आत्मानम माने परम चैतन्यम, अब जीवात्मा ले लेंगे शुद्ध ब्रह्म ज्योतिस्वरूपम, उसको पश्यन अनुभव करते हुए, उपलब्धमान अनुभव करते हुए स्व एव आत्मनि तुष्यति, स्वेव आत्मनि अपने ही आत्मा में अब तृप्त हो जाता है, तुष्टिम भजते इत्यर्थ, तुष्टि को प्राप्त करता है, अब और कुछ भी अपेक्षा उसके लिए नहीं रह जाता है। संक्रांति टीका, बहिरंग अंतरंग साधना सिद्धिया तीव्र मोक्षेच्छया च, बहिरंग साधन और अंतरंग साधनों को अच्छी तरह से अपनाया, सिद्ध कर लिया, और साथ साथ तीव्र मोक्ष की इच्छा है, विजृंभितया इनसे युक्त होकर के योग सेवया, योग के अनुष्ठान करने से, योगो योगांग सविकल्प समाधि विजातीय प्रत्यय उदय राहित्य, योग से तात्पर्य यहाँ पर योग का अंतिम अंग जो समाधि, समाधि में भी सविकल्प समाधि, संप्रज्ञा समाधि, जिसका भी निरंतर अभ्यास किया तो ही अब संप्रज्ञात की अनुभूति होगी। तो विजातीय प्रत्यय के उदय से रहित हो गया, केवल चित्त प्रत्यय मात्रोदय लक्षण, केवल चैतन्याकार अखंडाकार ब्रह्माकार वृत्ति मात्र लगातार उदय हो रहा है, तस्य सेवया उसी में निष्ठा बनाते हुए निरंतर आवृत्तिया, तादृशी निर्गुण निराकार ब्रह्माकार वृत्ति में ही अखंडाकार वृत्ति में ही निष्ठा बनाते हुए निरंतर अभ्यास करने से निरुद्धम, तब जो कहा गया योग चित्तवृत्ति निरोधा वो अपने जीवन में आ जाएगा, निरुद्ध हो जाएगा। विपरीत वृत्तिर, सारी विपरीत वृत्तियां समाप्त हो गई, निरुद्ध हो गई, वो जिस प्रकार से ना होवे उस प्रकार का चित्त की स्थिति होगी, यथा न स्यात् तथा चिरकालम ब्रह्म प्रत्यया वृत्तवेव स्थापितम चित्तम, चिरकाल पर्यंत ब्रह्माकार प्रत्यय के द्वारा वृत्ति में ही चित्त को स्थापित कर दिया, स्वयं निशेष विनष्ट सर्व बाह्य वासना पटलम सत्, और स्वयं पूर्णतया नष्ट कर दिया गया बाह्य सकल विषयक वासनाएं तत्पटल से रहित होकर के, यत्र यस्याम दशायां जिस दशा में स्वस्य केवल शुद्ध सत्वांश मात्र अवशेष रूपायां प्राप्तायां, जब अपना केवल शुद्ध जो सत्वांश है उस मात्र अवशेष रह गया, लेश मात्र भी अन्य अंश का सम्मिश्रण नहीं रह गया, उस स्थिति में उपरमते उपशमम गच्छति, तब उपशम को प्राप्त करता है,
वृत्यंत परिणाम उज्जित्वा ध्येयात्मनैव निवातस्थ प्रतिपवत् निष्कंपम तिष्ठति इत्यर्थ। कहने का अभिप्राय है वृत्यंतर के परिणामों का परित्याग करके ध्येयाकार आत्माकार ब्रह्माकार मात्र वृत्ति के द्वारा निवात स्थल में विद्यमान दीपक के समान निष्कंप होकर के व कूटस्थ होकर के रहने लगता है। किंच इतना ही नहीं, एक और बात उत्तरार्ध में, यत्र यस्याम चित्त परिपाक विशेष दशायाम, उत्तरार्ध में जो यत्र का अर्थ है चित्त की परिपाक विशेष दशा, अयम ब्रह्मविद उत्तम आत्मनिर्मल अंतकरणे व्योमनी राकाचंद्रबिंबवत् प्रकाशमानं वृत्यारूढं चिदानंदैकरसं आत्मानं परं ब्रह्म आत्मनाम स्वात्मना ब्रह्मैवाहमिति स्वस्वरूपत्वेन पश्यन्। अपने आत्मा को ब्रह्म रूपेण अनुभव करता है, इसका विस्तार बड़े समझा रहे हैं। जो ब्रह्मवित्त है उत्तम मुक्षु है, वह अपने में आत्मनि, कैसा आत्मा है अंतकरण उसका, निर्मल अंतकरण है, निर्मल अंतकरण। उसी प्रकार जैसे शरद पूर्णिमा का दिन होता है आकाश में राका चंद्र बिंबवत, जिसका सर्वत्र फैला हुआ प्रकाश विशुभ्र प्रकाश अनुभव में आता है, ठीक उसी प्रकार से वृत्त्यारूढ़ चिदानंद एकरसम आत्मानम, वृत्ति में आरूढ़ चिदानंद एकरस आत्मा का जो स्वरूप है परम ब्रह्म, उसको स्व अंतकरण से ही अनुभव कर रहा है। कैसे अनुभव कर रहा है वो, ब्रह्मैव अहम् इति, मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार से अनुभव करता है। स्वस्वरूपत्वेन पश्यन् साक्षात जो है अप्रोक्षी कुर्वन्, साक्षात्कार कर रहा है माने इंद्र निरपेक्ष अप्रोक्ष कर रहा है, अप्रोक्षानुभूति हो रही है। ऐसा होते हुए वह व्यक्ति का स्थिति बनती हो तुष्यति आनंदयति, आनंदित हो जाता है, मुक्त सन मुक्त होकर के अपने आप को ही मानता है कृतार्थो अस्मिति मोदते, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, अब कुछ भी कर्तव्य विशेष नहीं रहा, प्राप्त विशेष भी नहीं है, प्राप्त प्राप्तव्यम कृत कर्तव्यम, इस भावना से युक्त हो जाता है, जिसको श्रुति ने बताया स मोदते मोदनीयम ही है लब्ध्वा इति, स मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, मोदनीय आनंद स्वरूपा आत्मा को प्राप्त करके वह भी आनंदित हो जाता, आनंद रूप हो जाता है। आत्मन्येव तुष्यति, यहाँ अभिप्राय स्वयं में ही तुष्ट हो गया। योगारोहणं कृतवतौ मात्मना, इस तरह से योग में आरूढ़ हुआ और योगाभ्यास के द्वारा कृतकृत्य हो गया हुआ वह जो महात्मा है आत्मसंसार मोक्षणम तत्सुकंच प्रत्यक्षम, उसको आत्मा के इस संसार से मुक्त होना और वह परम सुख निर्दिश सुख आत्यंत सुख का प्रत्यक्ष करता है। यतः जिसलिए ऐसा है ततः इसी कारण से श्रवणादीन विज्ञात आत्मतत्वस्य यतेर, इसलिए आप करते हुए बता रहे हैं क्या संकेत किया है भगवान ने, इसे श्रवणादि के द्वारा विज्ञात जो आत्मतत्व वाली यति है वह योगारोहणे नैव आत्मोद्धरणम सिद्ध्यति, योगारोहण के द्वारा ही स्वयं के संसार से उद्धरण करना संभव है इति तद अवश्यम कर्तव्यम, इसलिए एतादृश योगारूढ़ता स्थिति के लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए इत्यनेन सूचितं भवति। अब टिप्पण आरंभ होता है, अथ असंप्रज्ञात समाधिस्थस्य युक्तस्य लक्षणं वा यत्र इत्यादि, असंप्रज्ञात समाधि में स्थित जो युक्त पुरुष है योगी है उसके लक्षण इस श्लोक में बता रहे हैं। अर्थात द्वितीयं वर्णयति इत्यर्थ, पहले वर्णन है समाधि दो प्रकार का संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, उसे दूसरा कौन है असंप्रज्ञात उसका वर्णन कर रहे हैं। चित्तस्य पंच भूमयः सन्ति, चित्त के पांच भूमियां होती हैं क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध,
एकाग्र, ग्र नहीं है यहाँ पर, छूट गया है, एकाग्र और निरुद्ध। उसमें अंतिम यह श्लोक में लिया निरुद्ध वाला, यदा योग सेवया अर्थात पूर्वोक्त संप्रज्ञा समाधिभ्यास न, यदा मैंने जब योग सेवा अर्थात पूर्वोक्त संप्रज्ञा समाधि का निरंतर अभ्यास करने से चित्त जो है निरुद्ध भूमिकम सत, चित्तम निरुद्ध भूमिकम सत, चित्त जो निरुद्ध भूमि वाला हो करके उपरमते, तथा और यदा आत्मना तार्श निरुद्ध चित्तेना, और जब तादर्श निरुद्ध चित्त के द्वारा अंतकरण के द्वारा आत्मानम, ये क्या तकार अधिक है, आत्मानम स्वस्वरूपम इत्यर्थ, आत्मान करते अपने ही स्वरूप को, पश्यन अनुभवन अनुभव करते हुए स्वात्मन्येव तिष्ठति, अपने आत्मा में वो संतृप्त हो जाता है। पश्यन तुष्यति इत्युक्त्या, पश्यन तुष्यति ऐसा लगता भी भेद है, किंचित भेद अभी बाकी है, देखते हुए वह आनंदित होता है, प्रसन्न हो जाता है, ऐसे ज्ञापन होता है नायम मोक्ष गम्यते है, और अभी मोक्ष हुआ नहीं है इसे मालूम होता है। खत्म पश्यंतम एव प्राप्नोति, कि जो जिसको देख रहा है वही उसको प्राप्त करेगा ना। भृंगी की टन्याय सुप्रसिद्ध है ना, वो भृंगी को देख रहा था कीड़ा, देखते 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 तद्रूपता को प्राप्त किया। यहाँ भी आप जिस रूप को देख रहे हैं वही अंत में तद्रूप को प्राप्त करोगे, लेकिन ब्रह्मैव न भवति, क्या भेदपूर्वक देख रहे हैं, यह पश्चन का तात्पर्य होता है किंचित भेदपूर्वक आपका दर्शन हो रहा है, ऐसे स्थिति में वह साक्षात ब्रह्म ही नहीं होता। यथोक्त श्रुतौच, और यथोक्त श्रुति में भी क्या कहा गया, सम मोदते मोदनी यही रि लब्धवा इति, वह आनंदित होता है उन आनंद के योग्य पदार्थों को प्राप्त करके। इसमें भी लगता है मोदनीय शब्द मालूम होता है भेद है, और भेद के कारण से इसको आत्यंतिक मोक्ष नहीं माना जा सकता। किंच फिर आत्यंतिक का क्या स्थिति है, कब होगा, कैसे होगा, वह अगले श्लोक में बताएंगे। भाष्कर इसलिए इतनी अवतरण का दे रहे हैं, किंच इति सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् शितश्चलति तत्त्वतः सुखम् आत्यन्तिकम् यत्तद् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् शितश्चलति तत्त्वतः न चलति तत्त्वतः, एक बार उस स्थित हो जाए फिर दो बार उस तत्व से अलग होता ही नहीं है, क्योंकि वह आत्यंतिक सुख है। अनंत जन्मों से जिसके लिए प्रयास में लगा रहा वह अब मिल जाए तो छोड़ के अलग कैसे होगा। यत आत्यंतिकम सुखम तत् बुद्धिग्राह्यम, वह विशुद्ध अंतकरण के द्वारा ही ग्राह्य, क्योंकि वह अतीन्द्रियम भवति, अतीन्द्रिय इन इंद्रिय सापेक्ष साक्षात्कार अनुभूति नहीं हो सकता। यत्र च अयम वेत्ति स्थित सन वेत्ति, और जिस समय में उस आत्मा में स्थित होकर उस आत्मा को जान लेता है, अनुभव कर लेता है, फिर पुनः दोबारा तत्वतः न चलति, उस तत्व से वो अलग होगा ही नहीं। सुखमिति सुखम आत्यंतिकम अत्यंतम एव भवति इति आत्यंतिकम, अत्यंत ही होता है इसका ना अत्यंत, अत्यंत किसको कहते हैं, समास क्या है, अंतम अतिक्रम्य अतिक्रांतस्सन, अंतम अग्रे अतिक्रांतम यत्तत् अत्यंतम
अति उपसर्ग हो जाता है। अतिक्रांत होने अर्थ में अति उपसर्ग है। अत्याध्य क्रांत अध्यर्थे द्वितीयया से समास हुआ, अत्याध्य क्रांताध्यर्थे द्वितीया से समास हो जाता है। क्रांत अर्थ अतिक्रांत, अतिक्रमण, अंत को अतिक्रमण कर गया मने और अब दोबारा अंत होना नहीं है। जिस अंत होता नहीं वो अंत को अतिक्रमण कर गया, इसलिए उसको अत्यंत कहते हैं। अत्यंतम एव स्वार्थिक कर दिया, अत्यंतम एव भवति इति आत्यंतिकम, स्वार्थ में ठय हो गया, आत्यंतिक शब्द बना। अनंतम इत्यर्थ अर्थात अंतरहितम, अनंतम ने अंतरहितम इत्यर्थ, जो ऐसा सुख है वह बुद्धिग्राह्यम, बुद्ध्यैव इंद्रनिरपेक्षया, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सर्वेंद्र निरपेक्ष होकर ग्रहण किया जा सकता है। उसको हम लोग बार बार दृष्टांत से समझाते हैं, अमावस्या का दृष्टांत है इसके लिए। क्या दृष्टांत है? अमावस्या। अमावस्या के दिन क्या होता है? सूर्य से किरण आ गए चंद्रमा के ऊपर, लेकिन चंद्रमा से किरण कहाँ गए? फिर हमारे पास तो आते नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मन में सारे किरण वापस सूर्य में चला गया। सूर्य से आया, सूर्य में ही चला गया। वही स्थिति है यहाँ पर, जो सर्वव्यापक आत्मा चैतन्य ब्रह्म से हमारे बुद्धि में चैतन्य आया और बुद्धि ने उस चैतन्य को अब तक क्या कर रही थी? वो बाहर डाल रही थी इंद्रियों के द्वारा, जगत की ओर, स्वप्न की ओर, सुषुप्ति की ओर, बाह्य बाह्य रह गया है ना। अब वह बुद्धि उस सारे चैतन्य का प्रतिफलन को वापस चैतन्य में ही विडोल दिया। उसको यहाँ पर दृष्टांत बनाकर अमावस्या को समझना चाहिए, बुद्धिग्राह्यम का, यानी कि विषय रूपेण ग्रहण करे, जैसे बुद्धि घट को ग्रहण करे वैसे अग्रहण नहीं होता। इसलिए कह दिया सर्वेंद्र निरपेक्षमिति, इंद्र निरपेक्ष या बुद्धिया गृह्यते इत्यर्थः इति ग्राह्यम, बुद्धिग्राह्यम। अतीन्द्रियम मने इंद्रिय गोचरातीतम इत्यर्थः, इंद्रिय गोचरों को अतिक्रमण कर गया, अतीत हो गया। आविषय जनितम इत्यर्थः, यह ऐसा सुख है जो विषय जन्य नहीं है, ये तात्पर्य इसका। तथैव आत्यंतिकम अंतम अतिक्रम्य, देखो अंतम अतिक्रम्य वर्तमानमिति आत्यंतिकम, अंत को अतिक्रमण कर जाना, अतिक्रांत होना, अतिक्रम को अतिक्रांत को एक ही चीज है। क्रम उपाधि विक्षेप धातु है, प्रत्यय भेद से प्रयोग होगा। अंतम अतिक्रम्य वर्तमानम इति आत्यंतिकम अर्थात आद्यंत शून्यम इत्यर्थ, कार्य कारण भाव से रहित है, आद्यंत भाव से रहित है, उत्पत्ति विनाश से रहित है। जब आद्यंत विकार नहीं रह गया तो अपने आप मध्य विकार भी नहीं है, अज है, अविनाशी है, तो बीच का विकार कहाँ से आएगा? सवाल ही नहीं है। बीच के कितने विकार रह गए? चार। जायते के बाद होता है अस्थि, अस्थि के बाद वर्धते, उसके बाद विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यते। इसे आदि और अंत, उत्पत्ति और विनाश, ये जब नहीं रह गया तो बीच के भी नहीं है। आदो अंते च यन्नास्ति वर्तमाने पि तत्त्वतः, कार्य का और उपनिषद में स्पष्ट मंत्र है, ये कह रहे हैं। तथैव इति आद्यंत शून्यम, अतएव इसलिए कहा गया श्रुति में एषो अस्य परमानंदः, यही परमानंद है। आनंद की भी मीमांसा तैत्र प्रसन्न भी है, प्रजाणक प्रसन्न में है। इस दुनिया में जब पूरे धरती का सम्राट हो, युवावस्था का हो, सर्वगुण संपन्न, सर्वेंद्रिय संपन्न है, सर्वशक्ति संपन्न, सर्विद्या संपन्न भी है, उसको हम क्या कहते हैं? एक मानुष आनंद।
और हम लोग क्या हो जाए उस हिसाब से, तो उस एक मानुष का एक करोड़वा हिस्सा के बराबर भी नहीं है। यहाँ तो कुटिया बनाने के चक्कर में हाय हाय मचा हुआ है, सारे पृथ्वी का मालिक कहाँ से होंगे, ये 100 गज जमीन का मालिक होने में परेशानी हो रही है। तो पृथ्वी पूरी पृथ्वी का मालिक हो, ये तो वर्णन किया ना वहां पर तैतृय उपनिषद में, सर पूरा सगल शास्त्र ज्ञान है, युवा स्यात् बलिष्ठ स्यात् इत्यादि शब्द है वहां पर। उसके सुख को एक मानुष आनंद कहा, उसके 100 गुणा गंधर्वानंद, ऐसे क्रम से करते करते अंत में एष परमानंद कर दिया। प्रजापति का आनंद से भी परे वह परमानंद होता है, एषोस्य परमानंद इत्यादि श्रुति प्रसिद्धम यत्तत् सुखम वेत्ति, ऐसे सुख को जो जानता है, मतलब जो अनुभव करता है, या जानने का तात्पर्य अनुभूति पर्यंत ले जाना पड़ता है। भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र विचार करते हुए स्पष्ट कह दिया, यत्र वेद इत्यादि शब्द बोधयति तत्सर्वम आ अनुभूत्यंतम, अनुभूति पर्यंत लेना पड़ेगा, केवल जानने से कोई लाभ नहीं। हमने जान लिया भोजन है तो क्या पेट भर जाएगा, भूख मिट जाएगा क्या, तो जानने से क्या लाभ हुआ। ठीक है, जानने से इतना ही लाभ होता है, उसमें आप चुन लोगे भाई ये खाओ या ना खाओ, ये चीज़ें बनी हुई हैं इनमें से ये खाओ ना खाओ, ये व्यवस्था मात्रल ज्ञान की अपेक्षा है। और बचपन आज में तो भी व्यवस्था नहीं, जो माँ ने रख दिया सामने वो स्वाहा हो गया, कहाँ खत्म, इसे क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छा है बुरा है कोई लेना देना ही नहीं। ये तो थोड़ा बुद्धिमान हो जाता है फिर तर्क वितर्क वितर्क में आ जाता है, तब ये सोचने लगता है। इसे कहते ये जो सुख है अत्यंत सुख उस प्रकार का है, सदा आनंदो अहमस्मीति आत्मा आनंदम अनुभवति इत्यर्थः। देखो स्पष्ट कर दे व्यक्ति का अर्थ अनुभवते मिलेंगे, सदा आनंद रूप में हो इति आत्मा आनंदम अनुभवति, आत्मा आनंद को अनुभव करता है, यानी कि आज के आनंद की जय हो, वो तो परिचिन्न हो गया ना, कथाओं हो रही है बगल में, वहाँ बोलेंगे आज के आनंद की जय हो, रोज एकाध बार बोलेंगे, कथाकार लोग बोलते हैं, मानो तात्कालिक ही आत्यंतिक नहीं है, बस आज आज का आनंद है, वो भी कुछ क्षणों के लिए जहाँ बैठे उसी समय की बात है, आगे पीछे नहीं है। यह ऐसा नहीं है, सदा आनंद हम अस्मृति आत्मा आनंद का अनुभव इत्यर्थ, यत्र यम योगी स्वयं विचिदेक वृत्त्या स्वस्वरूप सच्चिदानंद ही करे से ब्रह्मणी, जब यह योगी अपने ही चिदेकाकार वृत्ति से स्वस्वरूप में सच्चिदानंद ही कर सुस्वरूप ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है, तदा उस समय आत्मना स्थित सन अपने ही से अभेद भाव से स्थित होकर के तत्वतः परमार्थ स्वरूपात न चलती, अपना जब पारमार्थिक स्वरूप से वह दोबारा वो च्युत नहीं होता, वह अच्युत हो जाता है। अनादि काल में च्युत हो गया था, पता नहीं कब हुआ, तभी अपने आप को जीव माने लगा था। गुरु नानक जी जब भोजन छोड़ दिए थे, माँ विद्यावती पूछती है क्या हुआ बेटा तेरे को, क्यों नहीं खाता पीता है, कहा कि मन नहीं लगता, क्या बीमारी हो गया इसको, बड़े बड़े हकीम वैद्य आए नाड़ी देखे सबके, कोई रोगी नहीं है, कोई बीमारी नहीं इसको, फिर भी नहीं खाता, समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक बुजुर्ग को लाया गया, बहुत अनुभवी थे, उन्होंने भी नाड़ी वाड़ी खूब देखा और कहा कि ये तो कोई बीमारी नहीं है, तब तो एकांत में उसको ले गए, अरे सच सच बता हो क्या रहा है तेरे को, कहते मेरे को 2 बीमारी है, एक नहीं 2 जो आपकी नाड़ी में नहीं पकड़ में आती हो, कहते ऐसी कौन सी बीमारी हुई जो नाड़ी से नहीं ज्ञान हो रहा हमको, कहते हाँ पहली बीमारी है हम बिछुड़ गए हैं परमात्मा से,
दूसरी बीमारी है, ये दुष्टा भगवान का नाम नहीं लेती है, जीवा नाम नहीं लेना चाहती। मैं माला फेरते रहते, माला तो फेरते रह जाता है और दिमाग कहीं और भाग जाता है। ये बीमारी, ये दो बीमारी की दवाई हो तो देना, नहीं तो हकीम जी आप जाओ, हमें भगवान दे देगा इसकी दवाई। ये दृढ़ता पूर्वक अंदर से होनी चाहिए। अनादिकाल से अविद्या माया के कारण से हम अपने आप को ब्रह्म से भिन्न मानने लग गए, ये सबसे पहला भूल है। ये जड़ है, ये जीव भाव है, उसके बाद बाकी सारी उपाधि आप सर पर चढ़ाते गए। मैं मनुष्य हूं, पशु नहीं हूं, मनुष्य में ब्राह्मण आदि हो अन्य नहीं हूं, उनमें मैं पढ़ा लिखा हूं अनपढ़ नहीं हूं, विशेषण जुड़ते गया। और जितने विशेषण जुड़ते जाएगा उतने ही आप ब्रह्म तत्स्वरूप से अलग होते जाएंगे, और दूर और दूर और दूर। सविशेषता को मिटाकर निर्वेश निर्विशेष स्वरूप में स्थित होना ही वास्तविक वेदांत का लक्ष्य है। इसे इनका कहना है कि शतधा बाह्याभ्यंतर विक्षेप प्राप्तेष्वपि न किंचित विपरीत भावं भजति इत्यर्थः। वह तत्से विचलित नहीं होता, स्वरूप से च्युत नहीं होता। इसका मतलब है सैकड़ों प्रकार से बाह्य और आभ्यंतर विक्षेप प्राप्त होने पर भी वह थोड़ा सा भी विपरीत भाव को लेश मात्र भी प्राप्त नहीं करता, इसलिए उसको कूटस्थ कहा जाता। कूट इव तिष्ठति इति कूटस्थ। टिप्पण, सुगम आत्यंतिकम येशोस्य परमानंद इति बुद्धिग्राह्या। सुख आत्यंतिक सुख क्या है, जो तैतृय उपनिषद में कहा येशोस्य परमानंद। अबुद्धिग्राह्यम कठोपनिषद में कहा दृश्यत्व क्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः इति। अतीन्द्रियम, वह अतीन्द्रिय है, इसमें भी तैतृय उपनिषद ही प्रमाण है आपके पास, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। पूर्णिमा अमावास्या और दृष्टान्त अत्र ग्राह्यः, स्पष्ट लिख दिया है पूर्णिमा और अमावास्या को ये दृष्टांत ग्रहण कर लेना। आप अत्यंत चंचल है, बाह्य वस्तुओं में लिप्त है ना, भोगवादी हैं, समझो आपके इस समय स्थिति पूर्णिमा जैसी है। चैतन्य से आया हुआ पूरे प्रकाश जो आया था बुद्धि में, वो पूरा का पूरा संसार में जा रहा है पूर्णिमा का जैसे। और जब समाहित चित्त हो जाएंगे, आत्मनिष्ठ हो जाएंगे, वो दृष्टांताओं तक अमावस्या है। पूर्णिमा अमावस्या और दृष्टांतोत्र ग्राह्य स्थितः सन्नेव चलति तत्वतः। सितसन नैव चलति तत्वतः, एक बार इसमें स्थित हो जाए फिर तत्व तक कभी आप उससे चलायमान नहीं हो सकते। तत्व स्वरूप है, क्योंकि तत्व स्वरूप कैसा है, वो परमानंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, उसमें स्थित हो गया और फिर क्षुद्रानंद की ओर कौन आएगा। जिसको परमानंद मिल गया वो क्षुद्रानंद की ओर नहीं आता, क्षणिक आनंद को अपेक्षा ही नहीं रखता, इसलिए कहते हैं वह परमान स्वरूप स्थित सन न चलती न चवते अच्युतो भवति इत्यर्थः। चलायमान नहीं होता, च्युत नहीं होता, अर्थात वह अच्युत हो जाता है। ये तो ही गौड़पाद आचार्य रप्युक्तम, इसे गौड़पाद आचार्य जी अपने कार्य का मांडुकी कार्य का में कहे 3:35 में, लियते तु सुषुप्तो तन निगृहीतम न लियते। सुषुप्ति में और समाधि में अंतर क्या है, दोनों में लगता है बुद्धि है ही नहीं, इन अंतर यही है, वहां सुषुप्ति में बुद्धि लीन हो जाती है और समाधि में बुद्धि निगृहित होती है। बुद्धि जो है निगृहितम न लियत है, बुद्धि उस समय क्या हो जाता है, निगृहित हो जाता है, लय नहीं होता, यही अंतर है।
इति। अन्यत्र श्रूयते च, अन्यत्र भी सुनने को मिला इस प्रकार के स्मृति ग्रंथ में, समाधि निर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मन यत् सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते। स्पष्ट है, जब समाधि निर्धूतमलस्य, समाधि का अभ्यास से पूर्णतया धो दिया गया है मल जिसका, पूर्णतया मल धोने के चक्कर में एक आदमी ने सोचा बहुत कपड़ा मलिन हो गया है, इसे पूर्ण रूपेण साफ करना है, तो इससे पूछा, अगले ने मजाक में कह दिया इसको जो है तेजाब में डाल दो। अब मूर्ख ने सोचा समझा नहीं, तेजाब में डाल दो, पूरा साफ ही हो गया कपड़ा, सफाई नहीं हुई, शुद्ध नहीं होना, नष्ट ही हो गया। इसलिए व्यक्ति को सावधान रहना पड़ता है साधना के बारे में, ऐसे साधन कभी अपनाना नहीं जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी लग जाए। साधन पड़ा विवेकपूर्वक इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने वास्तविक स्तर को अंतर यात्रा के द्वारा अंतर्मुख हो करके समझना पड़ता है, और उसके अनुरूप हमें क्या चाहिए वो देखना पड़ता है। इसकी शिक्षा आज की हमारी शिक्षा प्रणाली में बिल्कुल ही नहीं है। पहले ऐसे नहीं था, पहले नित्य किसी भी गुरुकुल में जाए गायत्री मंत्र का जाप होता था, अंतर्मुख और बैठने कहा जाता था, अपने आप की स्थिति को आंकलन करो, तुम्हारे चित्त की वृत्तियाँ कितने भगदड़ मचा रखी हुई है, कितनी कामनाएं उठते हैं, सबका अध्ययन करो, किस प्रकार की कामना रही ये भी अध्ययन करो, सात्विक कामना होते हैं, राशि कामना होते हैं, तामसिक कामनाएं भी होते हैं, किस प्रकार की कामना उठ रहे हैं। हम बार बार आपको कहें डायरी मेंटेन करो, डायरी होती उसको कॉपी लिखो, सवेरे इतना बजे उठा, उतरे वर्ड कैसी वृत्ति थी, क्या चल रहा था वो लिख दो, ये चल रहा था, फिर गए मंजन किए उस समय क्या चल रहा था, मंजन करते वक्त सोच गए तो उस समय क्या चल रहा था, प्रत्येक आधे आधे घंटे का कम से कम अंतराल का स्थिति को वर्णन करते जाना, लिखते जाना चाहिए। महीना भर लिख लो तो अपने चित्त का चेहरा सामने आ जाएगा, आपका चित्त की क्या स्थिति है। फिर दूसरा भोजन डायरी, सवेरे से उठने के बाद क्या पिए, पानी पिए, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, कुछ आजकल तो है सवेरे उठ के गर्म पानी पीते हैं, दूसरी क्या पिए, जो भी हो पिए खाए, अंदाज मात्रा भी लिखते जाना, फिर तुलना करो, एक दिन ये खाया था उस अगले चित्त की वृत्ति क्या थी, दोनों डायरी साथ साथ लिखनी पड़ेगी प्रतिदिन का, उठने से लेकर सोते वक्त तक चित्त की स्थिति और खान पीन का दोनों डायरी मेंटेन करो, फिर आपको अनुमान होगा किन चीज़ों के खाने पीने से अगला दिन मेरी चित्त की वृत्ति रजोगुणी था कि तमोगुणी था कि सात्विक था। एक महीने के बाद निर्णय हो जाएगा आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यह हर साधक को अपनाना पड़ेगा, शुरू में नहीं अपनाएगा जहाँ माल मिल रहा है जो मिल रहा है छकते जाएगा तो दिमाग कभी ठीक हो ही नहीं सकता उसका, और साधक बन ही नहीं सकता। साधक के लिए सबसे पहले अपने आप को जानना है, इस शरीर के लिए क्या खुराक चाहिए कितना चाहिए, खान पीन तय करो, पहले सात्विक आहार की ओर लाओ, तभी चित्त वृत्तियों को आप समय समझ के उसको भी उसके लिए उचित साधना भी आपके सामने में प्राप्त होगा आप कर सके। इसे इनका कहना है हाँ, तो निवेशितस्य आत्मनि यत् सुखं भवेत्, समाधि का द्वारा अभ्यास से निर्धूत धो दिया साफ कर दिया गया चित्त जिसने, उसका जो चैत अंतकरण चेतस निवेशितस्य, शुद्ध चैतन्य में जब निविष्ट कर दिया आत्मनि यत् सुखं भवेत्, उस समय जो सुख अनुभव करता है न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा, उसको वाणी से वर्णन कर ही नहीं सकते, स्वयं तदंतकरणेन क्रियते,
कैलाप को अपने अंतकरण से ग्रहण करेंगे, अपने आप में मस्त हो जाएंगे। उसका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। इति वृत्त्याच तत् सुखास्वादनमपि, एक और ख अधिक हो गया यहां पर, तत् सुखास्वादनमपि प्रतिषिद्धम्। वृत्ति के द्वारा उस सुख का आस्वादन भी नहीं करना चाहिए, वही मांडू के कार्यकार ने कहा, नास्वादे सुखम तत्र निसंग अंग प्रज्ञया भवेत, नास्वादे सुखम तत्र निसंग प्रज्ञया भवेत इति। उस सुख को भी आस्वादन करने लग जाएंगे तो भी भेद बुद्धि आ जाएगी, मैं अनुभव करने वाला हूँ और ये मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ, इसको सुखास्वादन होता है, तो फिर मोक्षानुभूति नहीं हो सकता, अभेद में नहीं हो सकता आस्वादन। इसे निस्संग होकर के प्रज्ञा के द्वारा अस्तित्व होना चाहिए थी। तैरेव च उक्तम, उन्हीं के द्वारा भी कह दिया, स्वस्थम शांतम स निर्वाणम अखत्यम सुखम उत्तमम इति। मांडव्य कारिका में वह स्व में स्थित हो जाएगा, स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ। शरीर क्या है, स्वस्थ होना स्वस्थ नहीं है असलियत में, स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ, अपनी आत्मा स्थित होने का नाम स्वस्थता, शांत होता है तब। सनिर्वाणम, वह निर्वाण से युक्त हो जाता है, अकथ्यम सुखम उत्तमम अश्नुत है, जो अकथ्य है अकथनीय है अवर्णनीय है, ऐसे आत्यंतिक सुख को सर्वोत्तम सुख को वह अनुभव करने लगता है इति।